वेलकम टू सीक्रेट ऑफ माय किचन। मैं शायना शेख आज बना रही हूँ इंस्टेंट गाजर का हलवा, जो बहुत ही झटपट बनता है। ना घिसने की ज़रूरत है, ना टाइम वेस्ट होएगा इसमें। ये कुकर में बहुत ही फास्ट बनता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। आपको लगेगा गाजर, दूध, पिस्ता, काजू, बादाम, इलायची पाउडर, केसर, घी, मावा और शक्कर। समय पहले गाजर को ऐसे पील करेंगे। गाजर को ऐसे पतला पतला काटेंगे, आप गोल भी काट सकते हो। एक कुकर लेंगे, उसमें घी ऐड करेंगे। मैं आधा घी ऐड कर रही हूँ अभी। घी जब गर्म हो जाएगा इसमें गाजर ऐड करेंगे। एक से दो मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। फुल गैस पे आपको अच्छे से भूनना है। ये भून के अच्छी तरीके से हो चुका है। अब इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। ये फुल फैट मिल्क है। अभी कुकर का ढक्कन लगा के सीटी लेंगे। 5 सीटी लेना है और गैस बंद कर देना है। इसको इसके स्टीम में ही छोड़ देना है जब तक ये ठंडा नहीं हो। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी से गल चुका है कैरेट। अब इसको ये घोटनी से अच्छे से मैश करेंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से मैंने मैश कर चुकी हूँ। अभी इसको मैं फुल गैस पे रख के ये दूध को ड्राई करूँगी। इसमें शक्कर ऐड करेंगे, आप आपके टेस्ट के हिसाब से शुगर ऐड कर सकते हैं, और इलायची पाउडर और केसर। इसको फुल रख के अच्छे से पकाएंगे जब तक कि अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। इसको बीच बीच में आपको चलाते रहना है ताकि नीचे से लगे नहीं। अभी इसमें मावा ऐड करेंगे। कुछ लोग मावा बोलते हैं, कुछ लोग खोआ बोलते हैं। करेंगे इसमें इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। एक छोटा सा पैन लेंगे, उसमें घी ऐड करेंगे। जो घी आधा बचा के रखी थी ना वही ले रही हूँ मैं। अभी घी में काजू, बादाम और पिस्ता ये सब ऐड करेंगे और अच्छे से रोस्ट करेंगे। कलर नहीं आने देंगे, बस हल्का सा रोस्ट करेंगे और उसको ये हलवे पे पोर करेंगे। थोड़ा सा मैं बचा के रखूँगी गार्निशिंग के लिए। तो अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और एक बस 2 मिनट के लिए और पकाएंगे और गैस बंद कर देंगे। मेरी रेसिपी बनके कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। और ये रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स कैप्शन में है। और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आज मेरा 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।